भारतीय सभ्यता की कोई ऐसी विशेषता जो उसे दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है, वह विशेषता है निरंतरता में परिवर्तन। हम विकास भी करते रहे और पुराने को समेटते भी रहे, ये भारतीय मनीषा की विशेषता है कि पुराने का इस तरह रीइंटरप्रिटेशन कर देते रहे कि वो देश और काल के अनुरूप बदलता रहे। और इसके दो आधार बनाए हमने। एक आधार तो ये कि प्रकृति के कुछ नियम है, उन्हें हम नहीं बदल सकते। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पूर्व में ही उदित होता रहेगा, लेकिन समाज देश और काल के अनुसार बदलता है तो उसके नियम भी बदलने चाहिए। ये जो बदलने की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति, इसके कारण भारतीय सभ्यता इतने लंबे समय से कम 5000 साल से निरंतर बनी हुई है, क्योंकि वो देश और काल के अनुसार अपने को ढाल पाई। तो कुछ नियम प्रकृति के हैं, उन्हें हमने श्रुति कहा, कुछ नियम समाज के हैं, उन्हें हमने स्मृति कहा। और स्मृतिकारों ने स्पष्ट घोषित किया कि सतयुग का धर्म दूसरा है, त्रेता का दूसरा है, द्वापर का दूसरा है, कलयुग का दूसरा है। हर युग का धर्म बदल जाता है, लेकिन समाज का धर्म, प्रकृति के नियम तो बदलते नहीं। तो आधार बनाइए कि प्रकृति के नियम निरंतर है, समाज के नियम देश काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।